गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। कल वाले वीडियो में मैंने बताया था, जब लेक्चर डिलीवर कर रहा था तो उस समय बताया था कि ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल्स दो भागों में बटेगा। पहला वीडियो लेक्चर पहले वाले वीडियो में, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं, जिसमें चार बिंदु बताए थे। रिमेनिंग जो पॉइंट्स हैं उनको ध्यान से सुनना। रेप्टाइल्स के करैक्टर्स थोड़े अपने आप में यूनिक करैक्टर्स हैं, क्योंकि ये वर्टिब्रेटा के अंदर पाए जाने वाला ऐसा समूह है जो सबसे पहले टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन, स्थलीय वातावरण के लिए अडेप्टेड हुए थे, और इनको कई विपरीत परिस्थितियों का, अनफेवरेबल कंडीशंस का सामना करना पड़ा। इसलिए कई इनमें एडवांस करैक्टर्स विकसित होंगे। मिस्टर संतलाल इज गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड पार्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल्स इज सेंस ऑर्गन्स। रेप्टिलिया या रेप्टाइल्स के अंदर एक थर्ड आईलिड, जिसको नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं, वो इंट्रोड्यूस होती है, यानी इससे इसकी शुरुआत होती है कि रेप्टाइल्स के अंदर ये निक्टेटिंग मेम्ब्रेन जो होती है, जिसको थर्ड आईलिड बोलेंगे, वो विकसित होती है। और ये क्या कार्य करती है? दिस इज ए ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, एक पारदर्शक झिल्ली है, विच मूव्स ओवर द आई बॉल फ्रॉम इनर टू द आउटसाइड, जो अंदर से बाहर की ओर, इनर मार्जिन से बाहर की ओर आई बॉल, नेत्र गोलक जो होता है उसके ऊपर, उसको साफ रखने का कार्य करती है। कौन? निक्टेटिंग मेम्ब्रेन या थर्ड आईलिड। और जब साफ करती है तो दृष्टि में, देखने में कोई बाधा नहीं आती, बिना रुकावट के, बिना मतलब स्टिंग आउट विजन, कोई बाधा नहीं आती, बीच में कोई रुकावट नहीं आती। सर्वस टू प्रोटेक्ट द आई विदाउट सेटिंग डाउन, सेटिंग आउट विजन, बिना किसी दृष्टि के रुके बिना भी ये इसको प्रोटेक्ट करती है। द पीनियल आई या थर्ड आई इज वेल डेवलप्ड, जिसको तीसरी आंख भी बोलते हैं, पीनियल आई भी इनमें विकसित हो जाती है। बट इन सम एम्फीबियंस द ईयर ड्रम, जिसको टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कहते हैं, ईयर ड्रम आपको पता है कान का पर्दा कहलाता है, ये एक कैनाल से होकर के मिडल ईयर से पहले एक पर्दे के रूप में पाया जाता है। एम्फीबियन के अंदर तो ईयर ड्रम जो होता है वो झिल्ली नुमा पड़ा रहता है, लेकिन रेप्टाइल्स के अंदर तो ये गर्त के अंदर धसा हुआ होता है, और जब इनको खतरा होता है तब इस ईयर ड्रम को उस गर्त में से एक तरफ कोने में धकेल लिया जाता है। द एम्फीबियंस द ईयर ड्रम या टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इज एक्सपोज्ड ऑन द सरफेस, सरफेस के ऊपर खुला या एक्सपोज होता है। बट इन रेप्टाइल्स इट इज डिप्रेस्ड इन ए शेल ऑफ इट, एक छिछले गर्त के अंदर डिप्रेस्ड यानी धसा हुआ होता है। थस रिमूविंग दिस इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, ये महत्वपूर्ण जो संरचना है इसको रिमूव कर लेता है फ्रॉम डेंजर ऑफ पंक्चर, जब इसमें या तो छिद्र हो जाए, छेद हो जाए, पंक्चर का मतलब कोई छिद्र हो जाए, और अदर इंजरी फ्रॉम कॉन्टैक्ट विद शार्प स्पाइंस, या कोई शार्प यानी कि तेज कांटों से इनके अंदर कोई क्षति हो जाए, इंजरी हो जाए।
The internal auditory apparatus in the amphibia have also become more specialized. Through the development of a specialized auditory chambers in the membranous labyrinth, the sacculus. Internal auditory apparatus, आंतरिक सुनने वाला उपकरण जो होता है एम्फीबिया के अंदर, वो विशिष्टीकृत हो जाता है और विशिष्टीकृत होकर के एक चैम्बर या कक्ष के अंदर स्थापित होकर के, और उसको बोलते हैं मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, और इसके साथ जुड़ा हुआ सेकुलस, यानी मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के रूप में पाया जाता है और सेकुलस में जाकर के ये जाकर छुप जाता है या स्थित होता है, लोकेट, उसकी लोकेशन बताई है। नेक्स्ट, यूरिनोजेनिटल सिस्टम। यूरिनोजेनिटल सिस्टम दोनों का साथ साथ अध्ययन क्यों करते हैं कि दोनों का ओरिजिनल इवोल्यूशन एक साथ हुआ है और मेसोडर्म लेयर से हुआ है। गेस्टुला में पाए जाने वाले मेसोडर्म लेयर से दोनों का इवोल्यूशन एंड ओरिजिन एक साथ साथ हुआ है, इसलिए हर जगह यूरिनोजेनिटल सिस्टम को एक साथ पढ़ते हैं। इसमें क्या क्या आएंगे? एक्सक्रीटरी सिस्टम आएगा और रिप्रोडक्टिव सिस्टम आएगा। दिस इज यूरिनोजेनिटल सिस्टम। किडनीज ऑफ ऑल रेप्टाइल्स आर मेटानेफ्रोई या मेटानेफ्रिक प्रकार की किडनी होती हैं, सबसे विकसित प्रकार की किडनी होती हैं। काल्पनिक किडनी को बोलते हैं आर्किनेफ्रोस, उसके बाद में बड़ी प्रोनेफ्रोस, उसके बाद में बड़ी मिजोनेफ्रोस, उसके बाद में बड़ी मेटानेफ्रिक नेफ्रोस या मेटानेफ्रिक किडनी। मेटानेफ्रोई इन कंट्रास्ट विद द मिजोनेफ्रिक मिजोनेफ्रोई ऑफ एम्फीबिया, जो एम्फीबिया के अंदर कौन सी थी, मिजोनेफ्रिक या मिजोनेफ्रोई किडनी थी। द मेटानेफ्रोई ऑफ द रेप्टाइल्स एम्प्टी इनटू द यूरिनरी ब्लैडर बाय पेयर्ड यूरेटर्स। मेटानेफ्रिक किडनी जो बनी थी वो उसके अंदर जो भी कुछ था वो या उससे निकलने वाले जो एक जोड़ी यूरेटर्स थी वो किस में आकर के खुलती है, यूरिनरी ब्लैडर या मूत्राशय में। न्यू डक्ट्स दैट फंक्शन सोलेली एज यूरिनरी डक्ट, अब नई जो नलिका बनी है या डक्ट बनी है ये पूर्णतया केवल सोलेली का मतलब है, सोलेली का मतलब है केवल एक मूत्रवाहिनी नलिका के रूप में कार्य करती है। बट मेसोनेफ्रिक किडनी कहां गई, क्योंकि एम्फीबियंस इनकी उत्पत्ति भी है, वो रिप्रोडक्टिव डक्ट में कन्वर्ट हो गई। मेसोनेफ्रिक डक्ट इनके एम्ब्रियोज में एक बार विकसित हुई थी, क्योंकि ऑन्टोजेनी रिपीट फाइलोजेनी या थ्योरी ऑफ रिकैपिटुलेशन या बायोजेनेटिक ला 1866 हेकल ने जो प्रस्तुत किया उसके हिसाब से इनके एम्ब्रियोज के अंदर मेसोनेफ्रिक किडनी प्रकट हुई थी। वो अब क्या एडल्ट में क्या कहां बदल गई, रिप्रोडक्टिव डक्ट में बदल गई। आगे क्या कह रहा है, द एंसेस्ट्रल मेसोनेफ्रोस एंड द डक्ट्स एसोसिएट विद इट स्टिल परसिस्ट, अब भी अस्तित्व में है मेसोनेफ्रिक किडनी या मेसोनेफ्रिक डक्ट इन द रेप्टाइल्स एज ए फंक्शनल ऑर्गन्स, आज भी फंक्शनल ऑर्गन या क्रियात्मक अंग के रूप में विद्यमान है। बट देयर फंक्शन हैज चेंज्ड, लेकिन कार्य बदल गया इन दैट दे आर प्योरली रिप्रोडक्टिव, ये पूर्णतया प्रजननीय रूप में रूपांतरित हो गई। देयर एक्सक्रीटरी फंक्शन इज एंटायरली लॉस्ट, अब मेसोनेफ्रिक किडनी जो थी वो रेप्टिलिया के अंदर अपना उत्सर्जन का कार्य छोड़ चुकी थी या एंटायरली लॉस्ट, उत्सर्जन का कार्य नहीं करती। इन द एडल्ट फीमेल रेप्टाइल्स द मेसोनेफ्रोस डिसअपियर ऑल टुगेदर अलोंग द वुल्फियन डक्ट,
वुल्फियन डक फीमेल के अंदर पाई जाती, नहीं हाँ एडल्ट फीमेल में पाई जाती। मिजोरेफ्रोस डिसअपियर होती है किसके साथ में, वुल्फियन डक्ट के साथ में, वुल्फियन डक्ट भी डिसअपियर हो जाती है, बट मुलेरियन डक्ट रिमेन्स। मुलेरियन डक्ट जो होती है वो अभी भी अस्तित्व में है और क्या करती है, सर्वज एज द पेयर्ड ओविडक्ट्स। ये मुलेरियन डक्ट किसके रूप में कार्य कर रही हैं, ओविडक्ट्स के रूप में, अंडवाहिनियों के रूप में कार्य करती है, और अंडवाहिनियां भी इसमें पेयर्ड होती है यानी युग्मित, और लीडिंग टू द क्लोइका, और किस में आकर के खुलती है, क्लोइका के अंदर। आप एम्फीबिया में देखिए, रेप्टिलिया में देखिए, एविज में देखिए, और प्रिमिटिव मैमल्स को छोड़ करके एडवांस मैमल्स के अंदर देखोगे तो सभी के अंदर, प्रिमिटिव मैमल्स के अंदर क्लोइका और एडवांस के अंदर एनस होगा, उल्टा बोल गया, एम्फीबिया रेप्टिलिया एविज में पूर्णतः क्लोइका, और प्रिमिटिव मैमल्स के अंदर क्लोइका, और एडवांस मैमल्स जैसे अपने हैं अपने में क्लोइका नहीं, एनस और यूरिनोजेनिटल अपर्चर अलग अलग खुलते हैं। इन दीज ओविडक्ट्स आर स्पेशलाइज्ड ग्लैंड, स्पेशल ग्लैंड पाई जाती हैं, और वो क्या करती हैं, एल्ब्यूमिन का और सेल का, अंडे के सेल का और उसके अंदर एल्ब्यूमिन का निर्माण करती हैं। इन एडल्ट मेल रेप्टाइल्स द मुलेरियन डक्ट इज अब्सेंट या वेस्टिजियल। मेल के अंदर जो वयस्क रेप्टाइल जो होते हैं, वयस्क सरीसृप जो होते हैं, उनके अंदर मुलेरियन डक्ट या तो अनुपस्थित होती है या अवशेषी होती है, बट द वुल्फियन डक्ट परसिस्ट। लेकिन वुल्फियन डक्ट जो है, वुल्फियन डक्ट अभी भी अस्तित्व में है और एक्ट सॉलिल एज ए वास्ट डिफरेंस। शुक्रवाहिका नलिका के रूप में, शुक्रवाही नलिका के रूप में कार्य कर रही है, और ये क्या करती है, कैरिंग स्पर्म टू दी कोपुलेटरी ऑर्गन, और ये स्पर्म्स को मेथुनांग या कोपुलेटरी ऑर्गन के अंदर लाने का कार्य कर रही है। मिजोनेफ्रोस इटसेल्फ रिमेन्स इन द मेल्स। मिजोनेफ्रोस अभी भी मेल्स के अंदर उपस्थित है, बट इन मॉडिफाइड फॉर्म। आगे देखिए, बट इन मॉडिफाइड फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ एन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर एपिडिडाइमिस। टेस्टिस जो होता है उसके नीचे बाहर की तरफ वास इफ्रेंसिया खुलते हैं, और वास इफ्रेंसिया सब मिलकर के आपस में उसके नीचे क्या बना लेते हैं, एपिडाइमिस बना लेते हैं, और एपिडाइमिस बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है क्योंकि वहां नरिशमेंट होता है स्पर्म्स का, मैच्योर होते हैं यहां पर, और उसके बाद में वो वास डिफरेंस में आते हैं। एपिडाइमिस ए लॉन्ग ग्लैंडुलर ट्यूब, एक ग्लैंडुलर लंबी नलिका है, थ्रू विच स्पर्म्स फ्रॉम द टेस्टिस हैव टू पास। इसके द्वारा टेस्टिस से आने वाले शुक्राणु गुजरते हैं और गेट टू दी वास डिफरेंस, और किस में छोड़ दिए जाते हैं, वास डिफरेंस के अंदर छोड़ दिए जाते हैं। The secretion of the epididymis serves to nourish and to activate the sperms. Epididymis में पाए जाने वाले जो secretions होते हैं वो इनको शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करते हैं, और साथ में सक्रिय एक्टिवेशन का भी कार्य करते हैं, सक्रियकरण भी करते हैं, एक्टिवेशन की तरह कार्य कर रहे हैं। सेवंथ पॉइंट आ रहा है कोपुलेटरी ऑर्गन, मैथुन नांग या मैथुन अंग। द मेल एम्फीबियन डिपॉजिट, एम्फीबियंस के अंदर आपको पता है स्पर्म्स जो होते हैं वो पानी के बॉटम पर दे दिए जाते हैं, और फीमेल अपने क्लोइका के निप्स या जो लिप्स होते हैं, क्लोइका के जो लिप्स होते हैं उससे छोटे छोटे झुंडों के अंदर जो मेल स्पर्म्स को देता है, स्पर्म छोड़ता है, उनको अपने क्लोइका के अंदर इंट्रोड्यूस कर लेती है, और इंट्रोड्यूस करने के बाद में ओविडक्ट में जाता है जहां फर्टिलाइजेशन होता है। विदाउट कोपुलेशन फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा।
बट रेप्टाइल्स में इससे एकदम अपोजिट है. देखिए, द मेल एम्फीबियंस डिपॉजिट स्मॉल पॉकेट्स ऑफ स्पर्म्स ऑन द बॉटम. मेल कहाँ? पानी के अंदर, बॉटम के अंदर स्पर्म्स को पॉकेट्स या पैकेट्स के रूप में, झुंडों के रूप में, छोटे छोटे झुंडों के रूप में डिपॉजिट करते हैं, छोड़ते हैं. द फीमेल निप्स दीज ऑफ, फीमेल क्या करती है अब, निप्स दीज ऑफ विद द लिप्स ऑफ द क्लोइका. क्लोइका के लिप्स के द्वारा उनको पकड़ करके, थस इंट्रोड्यूसिंग स्पर्म इनटू द ओविडक्ट, ओविडक्ट के अंदर पहुंचा दी देती है. इसका मतलब क्लोइका के जो पाए जाने वाले लिप्स होते हैं वो भी कोपुलेटरी ऑर्गन की तरह कार्य कर रहे हैं, स्पर्म्स को पकड़ करके ओविडक्ट की तरफ भेजने का कार्य कर रहे हैं. बट वेयर इन रेप्टाइल्स द स्पर्म इज इंट्रोड्यूस इनटू ओविडक्ट बाय मींस ऑफ पेयर्ड इवर्टिबल या इवर्सिबल कोपुलेटरी ऑर्गन. रेप्टाइल्स के अंदर जो स्पर्म्स होते हैं वो फीमेल के अंदर मेल में उपस्थित बहिर्वर्तनशील कोपुलेटरी ऑर्गन मैथुनांग आवश्यकता पड़ने पर शरीर से बाहर निकलता है, नहीं तो समेट लिया जाता है, शरीर के अंदर बॉडी के अंदर खींच लिया जाता है. इस प्रकार के कोपुलेटरी ऑर्गन को इवर्टिबल कोपुलेटरी ऑर्गन कहते हैं. इट इज सिग्निफिकेंट हाउवेयर, बहुत सार्थक है कैसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन संपन्न हो रहा है, वास्तविक रूप से इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है कि कोपुलेटरी ऑर्गन के द्वारा स्पर्म जो है वो फीमेल के ओविडक्ट के अंदर छोड़े जा रहे हैं. थौ या थौ कॉमन इन एम्फीबिया इज नॉट नेसेसरी फॉर देम. इस प्रकार की संरचना एम्फीबिया के अंदर आवश्यक भी नहीं है और पाई भी नहीं जाती है. व्हाइल इट इज नेसेसरी इन रेप्टाइल्स, जबकि रेप्टाइल्स के अंदर इनकी आवश्यकता ज्यादा है क्योंकि दे आर टेरिस्ट्रियल इन नेचर. इनके लिए कोई फर्टिलाइजेशन के लिए माध्यम नहीं है. एक्वेटिक माध्यम होता तो भी फर्टिलाइजेशन इंटरनल बिना कोपुलेटरी ऑर्गन के द्वारा भी हो जाता. सिंस द एग मस्ट बी फर्टिलाइज्ड, अब एग जो होते हैं या ओवम जो होता है वो फर्टिलाइज होता है, हाई अप इन द ओविडक्ट बिफोर, हाई अप यानी ओविडक्ट के ऊपरी भाग के अंदर भेज दिया जाता है, बिफोर एल्ब्यूमिन एंड सेल आर एडेड ड्यूरिंग द डिसेंट ऑफ द एग टुवर्ड द क्लोइका. अब क्या कर रहा है, बिफोर का मतलब से पहले ओविडक्ट के ऊपरी भाग के अंदर अंडाणु शुक्राणुओं को भेज दिया जाता है, उसके पश्चात एल्ब्यूमिन बनता है अंडे के चारों तरफ. फर्टिलाइजेशन होने के बाद में, शेल बनने के बाद में इसके अंदर एल्ब्यूमिन बनेगा और उसके पश्चात में डिसेंट का मतलब डाउनवर्ड, ये एग जो होते हैं ये क्लोइका की तरफ नीचे की तरफ वापस आते हैं, ये इसका अर्थ है. नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम. एम्फीबिया के अंदर तो इंटरनल और एक्सटर्नल गिल्स लार्वा के अंदर पाए जाते हैं, उनके द्वारा श्वसन होगा. रेप्टाइल्स के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन आपको पता है सिर्फ लंग्स ही होते हैं और साथ में कुछ मसल्स होती हैं जो अपने डायफ्राम जो रिब्स के साथ में जुड़ी हुई होती हैं और अपने एब्डोमिनल कैविटी को, जब उनमें संकुचन और शिथिलन होता है तो संकुचन होता है तो बॉडी कैविटी का वॉल्यूम कम हो जाता है, एक्सपिरेशन होता है, एक्स मतलब श्वसन या श्वास बाहर निकलती है और रिलैक्स होता है, जैसे श्वास लेते हैं तो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ और रिब्स फैली, एब्डोमिनल कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता है इंस्पिरेशन के दौरान. तो यहाँ रिब्स ब्रीदिंग के लिए, रिब्स मसल्स ये और लंग्स सभी एक बहुत महत्वपूर्ण संरचनाओं के रूप में रेस्पिरेशन में सहायता करेंगे. चलिए कर्सर पेन के साथ, इन रेप्टाइल्स लंग्स आर ओनली रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, सिर्फ लंग ही श्वसनीय अंग है. लंग्स ब्रीदिंग इट रेंडर्ड मोर एफिशिएंट इन द रेप्टाइल्स थ्रू द एड ऑफ मूवेबल रिब्स. लंग्स जो हैं वो श्वसन क्रिया
बहुत ही एफिशिएंट तरीके से करते हैं, लेकिन सहायता किसकी लेनी पड़ती है इनको, एडिंग एडिंग एडेड यानी एड, जैसे फर्स्ट एड बोलते हैं अपन, तो प्रारंभिक सहायता होती है वो, एड बाय द मूवेबल रिब्स, पसलियां जो होती हैं वो गतिशील होती हैं, दैट आर सो मूव्ड बाय मसल्स, ये मसल्स के द्वारा मूव्ड होती हैं या गतिशील होती हैं, एज टू एनलार्ज द बॉडी कैविटी, ये बॉडी कैविटी को एनलार्ज भी कर सकती हैं और रिड्यूस भी कर सकती हैं, थस एक्सपांडिंग द लंग्स एंड फिलिंग देम विद एयर व्हेन द रिब्स मसल्स रिलैक्स, और एयर इज एक्सपेल्ड, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इंस्पायरेशन होगा, ये बताना चाहता है, और रिब्स के अंदर फैलाव या पसलियों के अंदर रिलैक्सेशन होगा तो श्वास को बाहर छोड़ दिया जाता है, रिलैक्स द एयर इज एक्सपेल्ड, हवा को या एयर को बाहर की तरफ छोड़ दिया जाता है, दिस इज एन इम्प्रूवमेंट अपॉन द मेथड ऑफ ब्रीथिंग इन द एम्फीबिया, ये एम्फीबिया की तुलना में एक और सुधार हुआ है, विच कंसिस्ट ऑफ मियरली, एम्फीबिया में क्या हो रहा था, ये नीचे वाला जो थ्रोट मसल्स थी, गले के अंदर पाए जाने वाली मसल्स थी, गलफड़े जो थे वो कभी ऊपर उठते कभी नीचे जाते हैं, और इंटरनल लेयर्स जो थे ऊपर दो नेयर्स जो खुल रहे थे उनके द्वारा मुख बंद होते हुए भी इंस्पायरेशन हो रहा था, जब थ्रोट के अंदर मसल्स रिलैक्स होती थी इंस्पायरेशन, कॉन्ट्रैक्शन होता था एक्सपायरेशन, कंसिस्ट ऑफ मियरली सिर्फ स्वेलोइंग एयर बाय मींस ऑफ थ्रोट मसल्स, किसी मेंढक को फ्रॉग को टॉड को रेस्पिरेशन करते हुए आप देखना, उनके अंदर आप रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग की मैकेनिज्म देखना, समझ में आपके एकदम बिल्कुल आसानी से आ जाएगा कि क्या करता है, यूं ऊपर नीचे करता है थ्रोट मसल्स को, ऊपर करता है हवा बाहर निकल गई एक्सपायरेशन बोलेंगे, नीचे करता है थ्रोट मसल्स को रिलैक्स होती है तब इंस्पायरेशन होता है, स्केलेटन, अब रेप्टिलिया का जब मैंने वर्गीकरण किया था और वर्गीकरण मैंने आपको यानी 17 या 18 नंबर वीडियोस के अंदर मैंने दो पार्ट में इसका वर्गीकरण किया था, तो 18 नंबर वीडियो शायद हो सकता है 17 हो, शायद 18 नंबर वीडियो के अंदर मैंने इनके अंदर चार सब क्लासेस बताई थी, एनेप्सिडा पेरेप्सिडा डायप्सिडा सिनेप्सिडा, यानी टेम्पोरल फोसा की उपस्थिति और अनुपस्थिति और संख्या के आधार पर, अगर उपस्थित थी तो उनकी संख्या के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है, और वर्गीकरण किया गया था जब मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने वर्गीकरण किया था, टेम्पोरल रीजन क्या होता है बंधुओं, ये हेड है यानी स्कल है, पोस्टीरियर यानी पश्च और लेटरल पार्ट, पीछे का और पार्श्व का भाग जो है वो टेम्पोरल रीजन कहलाता है, इस टेम्पोरल रीजन के अंदर पाए जाने वाले टेम्पोरल फसी या टेम्पोरल छिद्र की संख्या एक भी हो सकती थी, अनुपस्थित भी एनेप्सिडा के अंदर अनुपस्थित भी होती थी, नेत्रों के पीछे है ही, और इनकी संख्या दोनों पार्श्वों में एक एक भी हो सकती थी, दो दो भी हो सकती थी और अनुपस्थित भी हो सकती थी, ये मैंने आपको क्लासिफिकेशन में बता दिया था, और रेप्टाइल के अंदर पाए जाने वाला जो स्कल होगा वो पूर्णतः ऑसिफाइड होगा, अस्थिकाय होगा, ओसाइकल्स यानी बोनी होगा, द स्कल ऑफ द रेप्टाइल इज मोर कंप्लीटली ऑसिफाइड देन दोज ऑफ द एम्फीबियंस, एम्फीबियंस में पाए जाने वाले कंकाल की अंत कंकाल की तुलना में रेप्टाइल्स के अंदर कंकाल जो है ये बोनी ज्यादा महत्वपूर्ण हड्डियों से घिरा हुआ होता है, बोनी होता है जिसको ऑसिफाइड बोलते हैं, इंस्टीड ऑफ बींग सॉलिडली रूप्ड और देयर इज एन अपर्चर बिहाइंड द आई ऑर्बिट कॉल्ड द टेम्पोरल फोसा,
यहां ये कह रहा है आई ऑर्बिट के पीछे, मैं बता रहा हूं टेम्पोरल रीजन के अंदर, ये आई ऑर्बिट यानी नेत्र जो हैं इनके पीछे तो होगा, पोस्टीरियर पार्ट में एकदम आंखें तो अधर सतह की तरफ खुलती है, वो पोस्टीरियर डोर्सो लेटरल पार्ट में होता है। पोस्टीरियर तो पश्चिम भाग हो गया स्कल का और डोर्सल है ही लेकिन दोनों लेटरल, ये देखिए मेरे इशारे से देखिए पीछे की ओर इस क्षेत्र के अंदर। विच इज एसोसिएट विद द अटैचमेंट ऑफ जॉ मसल्स, और ये किसके द्वारा जुड़ा हुआ था, जबड़ों की मसल्स के द्वारा, इन द टू द स्कल, जबड़ों की मसल्स के द्वारा टेम्पोरल मसल्स जुड़ी हुई थी या जुड़ी हुई पाई जाती हैं, क्योंकि अधिकांश जंतु रेप्टिलिया के अंदर लगभग 12 ऑर्डर विलुप्त हो गए, 4 ऑर्डर के जंतु तो जीवित है। इन सम रेप्टाइल्स देर इज नो सच अपर्चर्स, इन अदर देर आर टू। कुछ रेप्टाइल्स के अंदर टेम्पोरल फसी अनुपस्थित होते हैं, कुछ के अंदर मैंने बताया एक जोड़ी यानी दोनों पार्श्वों में एक एक, कुछ में टू पेयर्स होती हैं। टू पेयर्स का मतलब दोनों लेटरल साइड में दो दो। द लोअर जा आर्टिकुलेटेड विद द क्वाड्रेट बोन, लोअर जा किसके साथ में जुड़ता है, लोअर जा को मैंडिबल बोलते हैं, आर्टिकुलेटेड विद द किसके साथ में, क्वाड्रेट बोन के साथ में, थ्रो दी साथ में टेरिगोइड्स एंड क्वाड्रेट आर्टिकुलेट टू द ऑसस एंड ऑफ द आर्टिकुलरी विच इज ए पार्ट ऑफ एंसेस्ट्रल मेकल कार्टिलेज। मेकल कार्टिलेज यहाँ एक नई चीज आई है। मेकल कार्टिलेज एक कार्टिलेज होती है फ्रॉम विच, जिससे मैंडिबल या लोअर जॉ ऑफ वर्टिब्रेट इवॉल्व होते हैं। ये सेकंड ब्रेंकियल आर्क होता है अगर एंसेस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो। मेकल्स कार्टिलेज, मेकल नाम के वैज्ञानिक से पढ़ा है, जूलॉजिस्ट से पढ़ा है, एक कार्टिलेज ही होती है जो निचले जबड़े का निर्माण करती है या विकास कर सॉरी इवॉल्व यानी इससे विकसित होता है। मेकल्स कार्टिलेज से निचला जबड़ा या मैंडिबल। द स्कल आर्टिकुलेट विद द फर्स्ट वर्टिब्रा बाई ए सिंगल मीडियन कॉन्डाइल। फर्स्ट वर्टिब्रा, फर्स्ट वर्टिब्रम या वर्टिब्रा क्या होती है, एटलस। देन इन द एम्फीबियंस इज अदरवाइज मैच मच लाइक दैट ऑफ लेटर बट सॉरी यानी द फर्स्ट टू वर्टिब्रा आर स्पेशलाइज इन लिजार्ड्स इंटू लिजार्ड्स। दो वर्टिब्रा जो हैं ये विशिष्टीकृत हो जाती हैं लिजार्ड्स में, छिपकलियों के अंदर। पहला होगा एटलस, दूसरी होगी एक्सिस, बाकी की टिपिकल वर्टिब्री होती हैं। फोर लिम्स अगर बुझाएं या अगर बात, फोर लिम स्केलेटन ऑफ रेप्टाइल्स था लॉन्गर एंड स्ट्रोंगर देन दी एम्फीबिया। एम्फीबिया की तुलना में अगर पादों के अंदर जो पाया जाता है स्केलेटन वो ज़्यादा मजबूत होता है। इज अदरवाइज मच लाइक दैट ऑफ द लेटर जो बाद में बने हैं उसकी तुलना में। देर आर 5 डिजिट ऑन ईच लिम और पंचांगुली पेंटाडेक्टाइलिक होते हैं, ये 5 अंगुलियां पाई जाती हैं, 5 डिजिट्स पाई जाती हैं। अंगुलियां तो अलग चीज है, डिजिट्स पाई जाती हैं और डिजिट्स के ऊपर क्या पाए जाते हैं, क्लॉज पाए जाते हैं। मैनी माइनर स्केलेटन चेंजेस हैव आल्सो अकर्ड और छोटे छोटे कई परिवर्तन जो हैं वो भी हुए हैं। किसमें, स्केलेटन में। माय डियर फ्रेंड्स, आपकी ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। कोरोना क्राइसिस में मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसको ध्यान में रखते हुए कॉलेज शिक्षा निदेशक महोदय की आज्ञा के अनुसार, निर्देशों के अनुसार निष्ठापूर्वक आपको प्रतिदिन या अल्टरनेटिव डेज से आपको हम घर बैठे आपको पढ़ाने के लिए YouTube चैनल के माध्यम से आपके पास वीडियो लेक्चर
अपलोड कर रहे हैं, आप जरूर सुने, ध्यान से सुने, सुरक्षित रहकर सुने, आराम से घर रह करके कोरोना से बचें, अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलें, और सरकार दोनों सरकारों द्वारा जारी की गई एडवाइजरीज, राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई एडवाइजरीज के अंदर जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनकी अनुपालना दृढ़तापूर्वक करें। इन्हीं कटु सत्य शब्दों के साथ मैं आपको जो वीडियो को या वीडियोज को वाच नियमित रूप से वाच कर रहे हैं उनको हृदयता या हृदय से ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।